वो दोनों सेनाएं आमने सामने तैनात थी। ये बताते युद्ध चलता रहा, आखिरकार नतीजा ऐसा होया कि जीत पांडु की तरफ से हो जाती, और खुशी के मारे पांडु श्री कृष्ण भगवान से सवाल करते हैं, हे महाराज हमारी जीत हुई, कोई जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। निर्मलारा किस तरह जीते हो, अरे अपने भाइयों को हरा कर जश्न मनाओगे, ये अच्छी बात नहीं। जब कृष्ण भगवान ने इतनी बात समझाई, वो पांचों भाई हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं, हे महाराज हमसे भूल हुई, हमें माफ करना। निर्मला कह रहे न्यूता देखो क्या उनके पास में बचा है, छोटे छोटे बालक उनकी लुगाई बची है, उनके छह में जाके जश्न मनाओगे, ये अच्छी बात नहीं। कृष्ण भगवान समझाता है, क्या कहता है, क्या मनाओगे, दुर्योधन की कार तार के खुद अपने शाही लाओगे। अरे न्यू कहेंगे जैसा काम करोगे तो पांडव भी निर्दोष नहीं थे, दोषी थे, जितना दोष कौरवों का था उतना ही फाड़ा लगेगा। पहले नंबर पर क्या समझाया, क्या
संसार है, इस संसार के अंदर आवागमन लगी रहती है। न्यू कहेंगे कि कृष्ण भी इनके साथ था, सारा काम इसने करवाया। ये संसार एक माँ का लोभी है, और जो इसे काम करोगे कोई भी साथ ना देगा। दूसरे नंबर पर याद कर क्या कहा।
वो है महाराज कैसी बातें करते हैं आप, ये तो कोई यकीन करने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि कौरवों के पास में 11 अक्षौणी दल सेना फौज, पांडवों के पास में केवल 7 अक्षौणी दल सेना फौज। पांडवों की जीत नहीं हो सकती। वो सवाल करती है कृष्ण भगवान से, क्या कहती है क्या? मन महाभारत का कमाल बता। हे महाराज, जिस सेना का सेनापति खुद वो भीष्म पितामह, जिसको भी इच्छा मृत्यु का वरदान, जीता हो तो मर जाना, मरने की भी गुंजाइश नहीं, ऐसे ऐसे योद्धा कौरवों के पास में उनकी हार नहीं हो सकती। पहले नंबर पे क्या सवाल किया, क्या लिखा, क्या la 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 la
कसम जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। ये विषम पिता महे की रण महार नहीं होनी थी, क्योंकि सेनापति भीम का दोहरा कुल सात तक छोड़ी थी, 7-11 में फर्क गहना जैसे संख्या दूनी थी, उस कंधारी का जेठा बेटा जो देश की दर दूनी थी, जिसकी चाल तो धरती दल क्या करती है, कड़े बिगड़ की चाल बता, 7 जीत की 11 हरी कैसे हो या कमाल बता। ये महाराज इस ये जितना भी युद्ध जीता गया छल करके जीता गया, और वो छल करने और कोई ना था, महाराज आपने कराया। ये सारी दुनिया परमात्मा के रूप में आपको देखती है, लेकिन महाराज आपने धोखा करा, छल करके ये युद्ध जितवा गया। दूसरे नंबर पर क्या कहा, चोर कुंडल इंद्र ले जा न कौन मारने आला था, ती के बारे पीठ में लगे कानून कति काला था, नीचे पति के रथ के ऊपर यो छलिया गज मारा था, क्षेत्र के वो महाभारत में क्षेत्र के महाभारत में रुकमण और कोई रोड़ा नहीं था। ये महाराज मैं तो अब भी ये कहती हूँ कि छल करके युद्ध जीता गया, कि रुकमण छल का कोई जिक्रा नहीं, जिक्रा था धर्म का और पाप का, धर्म जीत गया पाप हार गया, इस तो बुढ़ा को रोड़ा ना था। ये महाराज आप कहते हो ये बातें, जब अर्जुन ने भी अपना धर्म छोड़े अपने गुरु के ऊपर वो बाण चलाए, क्या उसका ये धर्म बड़े था। तीसरे नंबर पर क्या दिखाया, पावन दक्षिणा निष्फल छोटी ये छोटा सर तारणिया, अर्जुन बनी मेरे स्वामी और धर्म हार लिया, गुरु द्रोण और भीष्म पे ये तू करता लिये भान पता,
सुकनियो सुशर्मा तो थल पल मैं पूरे के अड़ी पीर में ओ टनिया सोसूरा के सूर्य थे महाभारत के युद्ध के माना इसे के दंश अधूरे थे श्री लक्ष्मी चंद्र आरजीत का कोई रोड़ा ना था तने जिन योद्धाओं का चित्र कराया है देखिए उन अपना धर्म छोड़ा धर्म के कारण ये स्थिति ये हार उनको देखनी पड़ी। कृष्ण भगवान समझाता है क्या कहता है क्या? जब बड़ी सभा में द्रौपदी को नगन करना चाहा, सबसे पहले द्रौपदी ने इशारा भीष्म पितामह की तरफ किया, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ किया, लेकिन कुछ बोले कोन्या, अपनी गर्दन को झुकाकर बैठ रहे। क्या उनका यह धर्म बनेगा? उन अपना धर्म छोड़ा कर्म के कारण उनको मरना पड़ा। पहले नंबर पर क्या लिखा?
भी जिक्रा करया तने देखे प्राण क्यों मरया। लड़के अभिमन्यु को चक्रव्यूह के खेल में फंसा गया, अकेला अभिमन्यु रह जाता है, सारा करो तल एक तरफ खड़ा। ये बताते सभी कौरव दल मिलके लड़के अभिमन्यु को नीचे गिरा देते जमीन पे। उसके शरीर पर इतने घाव थे रुक्मणे उसकी तरफ देखे बिना जाता, ऐसा काम लड़के अभिमन्यु की तरफ किया। लेकिन जब मरते वक्त लड़के अभिमन्यु ने पानी मांगा, अपने ताऊ कर्ण की तरफ इशारा किया, सबसे पहले कर्ण ना क्या वही पानी उस युद्ध क्षेत्र में दल दल कर गया। कर्ण की मौत का कारण वो बनया, रुक्मणि क्यों मरना पड़ा उसने क्या कहा था नंबर पर गया। बदल की बदल दोनों दो राही थे, अभिमन्यु ने पानी मांगा, सारे अन्यायी थे, पाप कर्म से डरे थे जो कोट गिरे भाई, पाप कर्म से डरे थे जो कोट गिरे भाई थे। नटकरण दशा शोर पिशोर मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। आखिरी नंबर पे देखिए पंडियों ने उदाहरण तथा क्या रुक्मणे तने गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र कराया। एक एकलव नाम का लड़का गुरु द्रोणाचार्य के पास में शिक्षा लेने के लिए आ जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, ये कहा कि मैं केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं। लड़का एकलवे वापिस चला जाता है जंगलों में, गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की तस्वीर बना के
वो धनुष चलाने की शिक्षा प्राप्त कर लेता है। उसी जंगल में गुरु द्रोणाचार्य का फेरा लग जाता है। ये बताते हैं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जो ही कुत्ते का मुंह खुला, लड़के कलवे ने 100 तीर छोड़ दिए कुत्ते के मुंह में। गुरु द्रोणाचार्य सब नजारा देख है कि अर्जुन से कर्ण से बढ़कर ऐसा धनुषधारी कौन है, चल कर देखना चाहिए। जाकर देखा, लड़का एक कलवा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि गुरुजी प्रणाम, के भाई कौन है, के मैं आपका शिष्य है कलवे। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा, अगर ये युद्ध क्षेत्र में चला गया और पांडवों का साथी बढ़ गया, गलत हो जाएगा। के मेरा शिष्य, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। अपना शीश झुका दिया लड़के कलवे ने। वहां चाल चलता है गुरु द्रोणाचार्य के, जिस हाथ में तीर चला था गुट्ठा मांग लिया। लड़के कलवे ने गुट्ठा काट कर दे दिया। आज वह खेड़ी पर धरण लग गया, नीचे पड़ गया, ठाक हो गया। क्या उसका ये धर्म बने था गुरु द्रोणाचार्य का? उसने अपना धर्म छोड़ा, धर्म के कारण मरना पड़ा। आखिरी नंबर पर क्या लिया से धन्यवाद करते हैं। इतने प्रेम के साथ दो चार बातें सुनी, इतना मान सम्मान किया है। आगामी